इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसकी बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आके लिखना है fiverr.com। जैसे ही आप fiverr.com की वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको 3 different ways से कहता है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू इसके ऊपर साइन अप करना चाहते हैं। फर्स्ट प्रोसेस फेसबुक का है। फेसबुक के प्रोसेस के अंदर कुछ रिस्क भी होते हैं, क्योंकि जब आप फेसबुक के अकाउंट के थ्रू करते हैं तो मोस्टली टाइम आपके फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा आप ईमेल के थ्रू करें या आप नीचे मैनुअल प्रोसेस के थ्रू करें। तो मैं यहाँ पे इस मैनुअल प्रोसेस के थ्रू करूंगा। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल को एंटर करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी ईमेल को यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे बता देगा कि ये ईमेल वेरीफाई है या ईमेल पहले तो यूज़ नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली लोग डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करते रहते हैं और उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक होते रहते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए अपनी ईमेल यूज़ करनी है। आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी और ईमेल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ईमेल एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मुझसे यूज़र नेम पूछेगा, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यूज़र नेम। यूज़र नेम के अंदर आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने मिनिमम टू मिनिमम वर्ड्स का यूज़र नेम रखना है। आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, आप अपने नाम के लिहाज से इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, और आपने इसके ऊपर कोई ऐसा यूज़र नेम नहीं रखना जो आपके नेम को डिपिक्ट ना करता हो। आप अगर कोडिंग करते हैं या वेबसाइट करते हैं, क्योंकि मैं वेबसाइट के रिलेटेड या अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे ये भी रख सकता हूं कोड बाय अदील। तो मैं चेक करूंगा अगर ये यूज़र नेम अवेलेबल है। तो अगर मैंने ये यूज़र नेम रखा और ये यूज़र नेम अवेलेबल है तो मैं इसी को लेके आगे चलूँगा, और इसके बाद मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। और पासवर्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जैसे कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखूँगा ताकि मुझे बाद में ईजी हो के मैं इसको याद कर सकूँ। ये अभी मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब मैंने जैसे ही ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया था, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया इसके ऊपर। और सबसे पहले जो आपने इसके अंदर प्रोसेस करना है वो आपको एक ईमेल रिसीव होगी। आपने अपनी ईमेल में जाके इसको वेरीफाई करना है, देन ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। ये मैंने अपनी ईमेल में चेक किया है तो मुझे यहाँ पर ईमेल रिसीव होगी है, और मैंने यहाँ क्लिक किया और तो मैं फाइवर के इंटरफेस के ऊपर आ गया और यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेटेड अकाउंट आ गया। और अब सबसे पहले जो हमने इसके अंदर सेटिंग्स करनी है वो हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाना है, और वहाँ जाने के बाद हमने इसके अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है स्टार्ट के ऊपर। जब हम अपना अकाउंट फाइवर के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं ताकि हम उसको आगे रन कर सकें अपने अकाउंट को। जैसा ही हम सबसे पहले अपने अकाउंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक टैगलाइन का ऑप्शन देता है कि आप अपने नेम के नीचे एक टैगलाइन एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही उसके नीचे आते हैं कि आपको एनरोल नाउ, क्योंकि यहाँ पे अगर एनरोल नाउ में आप एनरोल करेंगे, फ्री कोर्स होता है यहाँ पे एक, आप उसको भी इजीली आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो एंटर कर देते हैं, और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, फिर आपकी लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड करना होता है, और लिंक प्रोसेस होता है, और उसी के नीचे आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको स्किल्स ऐड करनी होती हैं, और अपनी एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल के लिहाज से। तो सबसे पहले हम अपनी टैगलाइन को यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे ही टैगलाइन होता है, अगर आप डिवेलपर हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप उसके लिहाज से लिख सकते हैं। मैं एज ए डिवेलपर के तौर पर यहाँ पर ऐड करूँगा। अगर मैं ऐड करता हूँ कि वर्डप्रेस डिवेलपर, जस्ट मैं ऐड कर सकता हूँ वर्डप्रेस डिवेलपर। जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे एज ए टैग लाइन ऐड हो जाएगी, और जैसे ही इसको एंटर करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन नज़र आता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपने क्लाइंट्स को बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ क्या है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है, तो मैं वैसे ही उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आपने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी, जिसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज़ के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देना है। तो मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर दूँगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है, तो लैंग्वेज के अंदर आपने हमेशा आपको चाहिए कि आपने इंग्लिश को बाईलिंगुअल रखना है या नेटिव के अंदर ही ऐड करना है।
तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को ऐड करूंगा, और उसके बाद अगर आप उर्दू, हिंदी या कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली इसके अंदर और भी लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एक ही लैंग्वेज को ऐड करूंगा। और नीचे आने के बाद अगर आप अकाउंट मतलब लिंकअप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आपके फेसबुक अकाउंट, गूगल और जितने भी दूसरे अकाउंट्स होंगे सोशल मीडिया के, आपको वहाँ पर ले जाएगा और आपका अकाउंट डायरेक्टली इसके साथ लिंकअप हो जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है स्किल्स। स्किल्स को आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसके अंदर ऐड करना है, वो आपको कुछ सजेशंस भी देगा, आपको उसके लिहाज से ही ऐड करना है। अब सबसे पहले मैं वर्डप्रेस को ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ इसके अंदर। आप अपने लिहाज से यहाँ पर 10 to 15 आप जितनी भी आपके अंदर स्किल्स हैं आप यहाँ पर ईजिली ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मुझे एक पूरी रोज शो हो रही है तो मैं इसी के लिहाज से यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा अपनी स्किल्स को। आप भी अपने लिहाज से जो जिनकी रैंकिंग्स में काफ़ी ज़्यादा को हेल्प मिल सकती है, आपने वही कीवर्ड्स यहाँ पे एक तरह से स्किल्स को यहाँ पे ऐड करना है जिनके ऊपर लोग ज़्यादा सर्च करते हैं और बाद में वही आपको फ़ायदा देते हैं और आपकी गिग्स की रैंकिंग में भी आपको हेल्प आउट करते हैं। तो मैंने इसी तरह ऐड किया। आप इसी तरह 10 से 15 अपनी यहाँ पे स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर एजुकेशन को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन को यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं ईजीली, जिस तरह आपकी ग्रेजुएशन होगी या उसके लिहाज से आप कुछ भी यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोस्टली सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं, आपको यहाँ लाजमी 1 से 2 सर्टिफिकेशंस ऐड करने चाहिए ताकि क्लाइंट्स को पता चले कि आपने इस फील्ड के अंदर कोई सर्टिफाइड काम किया हुआ है और कहीं से आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। अब जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वर्डप्रेस के रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन को ऐड कर दूँगा, वर्डप्रेस डेवलपमेंट। और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने यूडेमी से यहाँ पे कोर्स किया था और मैं आने के बाद ये बता सकता हूँ अगर मेरा 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिहाज से आप जब भी करें सर्टिफिकेट, अगर आप अभी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आपने कोर्स किया हुआ है आपने उसी लिहाज से यहाँ पे ऐड करना है, उसके अलावा आप कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आकर 2022 ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आके सिंपल में ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका ये ऐड हो जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान से फिलअप करना है ताकि जैसे ही कोई भी कस्टमर या आपकी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पर आता है तो सबसे पहले आपकी इन चीज़ों को चेक करता है। अब जैसा कि मैंने आपको एक बेसिक सेटिंग्स बता दी है, इसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें जैसा ही हम क्रिएट न्यू गिग वाली सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने गिग को कैसे क्रिएट करना है, टाइटल कैसे लिखना है, टैग्स कैसे लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और आपने गिग्स के अंदर रैंकिंग कैसे कर सकते हो। I should fuck her in the best, yeah.